आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज, सच को रखे आपके आगे। शेख सईद बावजीर के भाई ने ये कहते हुए पुलिस पर ये इल्जाम लगाया है कि शेख सईद बावजीर के कत्ल की इंक्वायरी ठीक से नहीं की गई। इस दुनिया में तो ये साबित कर दिया कि शेख सईद बावजीर के जनाजे में सैकड़ों लोगों ने आकर इन्हें दुआएं दी। इस दुनिया में तो मेरे भाई का नाम हो गया शहीद होकर, हशर के मैदान में खातिलों को अल्लाह के सामने पकड़ूंगा। ये शेख सईद बावजीर के भाई ने एक बयान जारी किया, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं शेख सईद बावजीर मरहूम, जो मेरा भाई शहीद हो गया उनका छोटा भाई शेख हसन बावजीर हूँ। ये जो मैं थोड़ा इसीलिए कुछ नहीं बोल सका केस के बारे में, हमारे वालदा की और वालिद की थोड़ा तबीयत खराब थी इसीलिए मैं उसमें था। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो है सो जमीन दे दिए, थोड़ी पैसे दे दिए, इसलिए खामोश बैठ गए। अरे तुम लोग क्या देते रहे, मेरे भाई को जब नहीं खरीद सके तुम लोग तो हम लोगों को क्या खरीदते है, क्या तुम लोगों का एक चीज काम है गुंडों को पालना, पैसे देना, हमारे को नहीं खरीद सकते ना, हमारा भाई बिका ना हम बिकेंगे, कानूनी कार्रवाई जो है बहुबल लड़ेंगे। अब इनसे बोलने लगा रहे, उनसे बोलने लगा रहे, वो अच्छे है, इन्हू अच्छे है, उन्हू अच्छे, दुनिया को नहीं मालूम कौन अच्छे है कैसा काम करे, अल्लाह इसका फैसला करेगा तुम लोगों के साथ। ये कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला दुनिया में भी बताएगा, दुनिया में अगर नहीं बताएगा तो आखिरत में मेरा भाई काला पकड़ के बोलेगा क्या करे थे तुम लोग, कितना पैसा देते बोले क्या करे, सबको मालूम है मेरा भाई कभी बिका नहीं ना हम बिकेंगे। पहले तो इन लोग इतनी साजिश करे मेरे भाई को जेल को भी जाने की, इतनी साजिश जिसमें से एक वाकया मैं आपको बता देता हूँ। इन लोग क्या करे, चंद्रायन गुट्टा PS पोचैया SI साहब जो है उनको मेरा भाई चाकू बताया बोल के पोचैया साहब से कंप्लेंट देने लगा जेल को भी जाने के वास्ते। उन्होंने क्या बोले, मेरे को चाकू बताया, मेरे बाबा को मार देता हूँ बोला बोल के उन्हों कंप्लेंट कर रहे। जब उनकी कंप्लेंट में ये है कि चाकू मेरा भाई बोल रहे, उन्होंने कब बताया बोल रहे, एक महीना पहले, एक महीना उससे थोड़े दिन और पहले बताया कि ते चाकू इनको मार देता हूँ बोले, उनकी कंप्लेंट है। जब उसके बाद वकील साहब स्पॉट पे जब हमारे वकील आ गए थे, जब भी हम बॉन्डोवर को गए थे, जब भी जो है सो वकील साहब पहुंच के केस को जब भी खामोश बिठाए, जेल को जाने नहीं दिए, केस चल रहा अभी भी, केस कोर्ट में चल रहा था केस, जेल को जाने नहीं दिए। इन लोगों की कोई साजिश नाकाम हो गई, जो साजिश करे थे इन लोग नाकाम होने के बाद फिर इन लोग गुंडों को पाल के जो है सो ये काम करे। ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा था भाई को खातिल करने का, जब मेरा भाई पुकार पुकार के बोल रहा था पुलिस को मेरी जान का खतरा है, मेरी जान का खतरा है, पुलिस क्या करी, मेरा भाई जब कंप्लेंट देवा तो पुलिस नहीं लेने से आज मेरे भाई की मौत हो गई। पुलिस अगर जब एक्शन ले लेती तो मेरा भैया जिंदा रहता था। जब बोलवा उन्हें भाई मेरे को मार देते बोल भाई मार, जब इन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं ली, ये सिलसिला पहले से साजिश चल रहे थे इन लोगों मेरे भाई की, मेरे भाई को कत्ल करने का, इनको बुलावे उनको बुलावे कि तुम मार दो तुम मार दो। लोग भी क्या बोल रहे, नहीं उन्हें अच्छा काम करता था हम नहीं मारते। इन लोग बहुत कोशिश करे जब नए होने से, इनके कोई आदमी को लेके जो इस लोग गलत कदम उठाए अल्लाह ताला के पास हशर के मैदान में पकड़ूंगा मैं खुद भी, मेरा भाई भी रहेंगे वहाँ पे, बब्बा इन लोगों के काला पकड़ के बोलूंगा अगर दुनिया में इंसाफ नहीं मिला तो। अब हमारे कोर्ट के ऊपर भरोसा है, चंद्रायन गुट्टा PS जो इंक्वायरी करा वो छोड़ दो इंक्वायरी को, अभी इंक्वायरी बाकी है इन लोगों के ऊपर, जो दो खातिला भागे हुए है कहीं को नहीं पकड़ लें। तेलंगाना पुलिस जब इतनी अच्छी है, जब खबर में से इंसान को उठा के ला लेती तो जिंदा है तो नहीं लाती पुलिस, क्या कभी दो जने भागे हुए तो छोड़ देते, पकड़ के लाना पुलिस का काम नहीं है। सीवी आनंद साहब पे हमारे भरोसा है, सीवी आनंद साहब बहुत अच्छे है, मेरे को मालूम है सीवी आनंद साहब कितने अच्छे, सीवी आनंद साहब से मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि जो दो खातिल अभी भी फरार है उनको पकड़ के लाना चाहिए, और इन लोग जो भागे हुए उन लोगों को पकड़ के लाना, इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना और फिर से इंक्वायरी करना है इनकी। इंक्वायरी सही नहीं हुई साहब, मैं बोल रहा हूँ आपको इंक्वायरी सही नहीं हुई, और जेलपल्ली की आवाम के वास्ते भाई जो खिदमत करा अपनी जान को वक्फ कर दिया, ना हमारे वास्ते कुछ करा ना हमारे घर वालों के वास्ते, कौम और मिल्लत के वास्ते मेरा भाई जान दे दिया। दुनिया जानती मेरा भाई कई को शहीद हुआ कई को मारे, दुनिया जानती, और इनको जान का धोखा है, पुलिस एक्शन नहीं ली, बबर हम गलत कदम नहीं उठाएंगे, कानूनी कार्रवाई बबर लड़ेंगे, जहाँ तक हुआ कानून से हम लड़ते हुए इंसाफ मिलेंगे सीवी आनंद साहब से,
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं हमारे इंसाफ में उनकी पूरी जरूरत है हमारे सीवी आनंद साहब से मैं अपील कर रहा हूँ ये खातिला फिर एक महीने दो महीने में जब छुटके आ जाएंगे फिर कौन जिम्मेदार रहेंगे अगर इन लोगों हमारे कुछ कर दिए तो इन लोग पहले जो ऐसे गुंडों को पालने वाले है जब इन लोग निकल के आएंगे हमारे ऊपर हमला होगा तो कौन जिम्मेदार होंगे मैं पुलिस से अपील कर रहा हूँ इनके पहले के रिकॉर्ड चेक करो इन लोग कैसे इसके बाद इन लोगों के ऊपर पीटीआर डालना चाहिए जो पहले केसों में मुलविज है बच्चे वो बच्चों के ऊपर भी अभी तक पुलिस पीटीआर नहीं डाली इसके ऊपर पीटीआर डालना जरूरी है पुलिस को इंक्वायरी करना चाहिए सीवी आनंद साहब बहुत अच्छे है उन्हें इंक्वायरी करेंगे और पीटीआर डालेंगे हमारे कानून पे भरोसा है पीटीआर बराबर डालेंगे इन लोगों के ऊपर ऐसी छुप के आके जो ऐसा फिरने वाला ये केस को बिठाने वाला ऐसा कुछ नहीं होगा सीवी आनंद साहब एक्शन लेंगे और जितने लोग हैं जितने लोग सपोर्ट करे जितने लोग दुआ करे भाई के लिए जितने लोग गांव से अजला से मोहता में आए थे ये जनाजे में जो पब्लिक थी ना अल्लाह ताला दुनिया में बता दिया मेरा भाई कैसा था दुश्मनों की साजिश थी मरे बाद भी जो साजिशा करे दुश्मना अल्लाह ताला बराबर बताया दुनिया में जनाजे में देख लिए लोग इंसान अच्छा था या बुरा था इसलिए जो लोग आ गए जनाजे में उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो सोशल मीडिया के जरिए बाहर बैठ के जो मुझे फोन करे मेरे घर पे अरब ममालिक से बाहर ममालिक से जितने लोग फोन करे उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो सपोर्ट करे उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से शुक्रिया खुदा हाफिज। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्त की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक बहादुरपुरा एक्स रोड हैदराबाद। खबर है शहर की खबर है गांव की खबर है सारी दुनिया की 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले 7H न्यूज।